अब हम लोग जा रहे हैं जयगढ़, और चढ़ाई बहुत है, और हमारे शेर सिंह भाई की हालत पतली हो चुकी है। इधर नाम ही भूल गया मैं, कह रहा हाँ। और ये हमारे आमिर भाई भी आए हैं आज, अरे भेड़ तो भूल जाता। आज हमारे आमिर सोलंकी भाई भी आए हैं हमारे साथ, तो उनसे पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है चढ़ाई चढ़ के। भाई कैसा लग रहा है तेरे को? आई एम बेटर बेटर है भाई मेरा ये। अगर आप आमेर फोर्ट आते हो और अगर आपको जयगढ़ भी जाना है, तो ये पैदल जाने का रास्ता है, यहाँ से कार बाइक नहीं जाती, उनका अलग रूट है। आप ये जो देख रहे हैं, ये है आपातकालीन सुरंग, जो कि आमेर महल को जयगढ़ से जोड़ती है, और कभी जब विपदा आती थी तो राज परिवार को यहाँ से ले जाया गया। अगर आपका जेक है तो आप यहाँ से फ्री एंट्री ले सकते हो, नहीं तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जयगढ़ के टॉप पर लगा हुआ है एक फ्लैग, और उसकी कुछ एक खास बातें हैं, तो हम भैया से पूछते हैं, ये हमारे को उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। क्या भैया, क्या क्या डिटेल है, मतलब क्या है इसका? सर ये जो आप झंडा देख रहे हो, ये क्या कि यहाँ पर आमेर में पहले कछुआ राजवंश रहता था, उन्हीं का ये झंडा है। पहले कछुआ राजवंश यहाँ पर आमेर में रहता था, पूरा ये जो आमेर महल भी इसी का था, कछुआ राजवंश का। और ये जयगढ़ फोर्ट है, ये आर्मी के लिए बनाया गया था। अब थोड़ा करीबी है तो हम पहुंचने वाले हैं फाइनली जयगढ़ के एंट्री गेट पर। यह है टिकट विंडो। यह है पहले का कूलर डक्टिंग, है लक्ष्मी विलास, यह है राजा की बैठक, आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। दबंग थ्री मूवी का सॉन्ग शूट किया गया था, जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा अगर आप लोगों ने देखा है तो। हो गया, इसका फोटो नहीं आता। छोटी पालकी जो कि हाथियों पर बांधी जाती थी, खाद्य सामग्री से संबंधित कार्य पूरे यहाँ पर किए जाते थे। यह है भोजन कक्ष।
औजारों को यहाँ पर रखा जाता था।